हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2023 शरद पूर्णिमा का व्रत कब है, चंद्रोदय का समय, स्नान दान का मुहूर्त विधि, चंद्र ग्रहण व सूतक का समय क्या रहेगा और साथ ही जानेंगे क्या इस बार शरद पूर्णिमा पर खीर का उपाय किया जा सकेगा या नहीं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास मानी जाती है। यूं तो साल की सभी पूर्णिमा तिथियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा अमृत बरसाने वाली पूर्णिमा होती है। इसे कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन आकाश से पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है, लेकिन इस साल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ने से आसमान से अमृत नहीं बरसेगा। शरद पूर्णिमा का व्रत कब है, चंद्रोदय समय, स्नान दान का मुहूर्त विधि, चंद्र ग्रहण व सूतक का समय और क्या इस बार शरद पूर्णिमा पर खीर का उपाय किया जा सकेगा या नहीं, तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। आइए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा कब है 2023 में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 4:17 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 29 अक्टूबर को रात में 1:53 पर हो रहा है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का अधिक महत्व होता है। उदया तिथि और पूर्णिमा का चंद्रोदय दोनों ही 28 अक्टूबर को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान करना श्रेष्ठ रहेगा। अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा व्रत तिथि होगी 28 अक्टूबर दिन शनिवार को। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 29 अक्टूबर को रात 1:53 पर। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय होगा 28 अक्टूबर सायंकाल 5:20 पर। इस दिन कोजागर पूजा निशित काल में की जाती है, इसलिए कोजागर पूजा का समय होगा 28 अक्टूबर की रात 11:39 से 29 अक्टूबर प्रातः 12:31 तक। अब जान लेते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए रात्रि में 3 शुभ मुहूर्त हैं। दोस्तों, शुभ उत्तम मुहूर्त होगा रात 8:52 से रात 10:29 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त होगा रात 10:29 से रात 12:05 तक। और चर सामान्य मुहूर्त रहेगा रात 12:05 से रात 1:41 तक। आइए जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें, अन्यथा घर पर ही गंगाजल मिले जल से स्नान जरूर करें। अब सबसे पहले आप अपने इष्ट देव की आराधना करें और फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें तिलक करें। दोस्तों, पूजा स्थल में धूप दीप जलाएं। पूजा के दौरान भगवान को अक्षत तांबूल, पुष्प सुपारी, खीर का नैवेद्य और दक्षिणा अर्पित करें। दोस्तों, शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के बाद चंद्रमा को दूध मिले जल का अर्घ दें। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं और फिर रात को खीर से भरा बर्तन चांद की रोशनी में रखकर दूसरे दिन इसे ग्रहण करें। दोस्तों, कहते हैं कि यह खीर का प्रसाद अमृत स्वरूप हो जाता है, जिससे प्रसाद ग्रहण करने वाले जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार साल 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात में शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। ग्रहण का स्पर्श 28 अक्टूबर की रात्रि 1:05 पर होगा। ग्रहण का मध्य 28 अक्टूबर की रात्रि 1:44 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष 28 अक्टूबर की रात्रि 2:24 पर होगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से प्रारंभ होगा। अब जान लेते हैं इस दिन खीर का उपाय करें या नहीं। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर शाम 4:05 से सूतक लग जाएगा। इस दिन रात्रि में मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। शरद पूर्णिमा पर बनने वाली खीर भी मध्य रात्रि में नहीं बनेगी। ऐसे में चंद्र ग्रहण तक खीर बनाना निषेध रहेगा। यदि आप खीर बनाना चाहते हैं तो खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले ही कुसा डाल दें और इसे ढककर रख दें।
दोस्तों इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा, जिससे आप ग्रहण समाप्त होने के बाद खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। दोस्तों खीर बनाने की प्रक्रिया मध्य रात्रि के बाद यानी ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी और भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। जय श्री हरि। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।